रिश्तों को तार तार करके एक ऑटो चालक ने नाबालिग बेटियों को हवस का शिकार बनाया है। यह वारदात तहसील थाने के तहत हुई। पुलिस ने नराधम पिता को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। करीब 15 दिन पहले जब पिता ने छोटी 13 वर्षीय बेटी के साथ भी शराब के नशे में इस घिनौनी हरकत को अंजाम देना शुरू किया तो उसने अपनी बड़ी बहन को पिता की करतूत रोते रोते बताई। पिता की छोटी बहन के साथ भी इस घिनौनी हरकत के बाद दोनों बच्चियां सदमे में चली गई और गुमसुम रहने लगी थी। 10 दिन पहले ये दोनों बच्चियां अपनी मामी के घर रहने गई थी। उनकी मामी ने गुमसुम और उदास रहने का कारण जब विश्वास में लेकर पूछा तो इस कलयुगी पिता की सारी काली करतूत सामने आई। मैं सैयद फजलुल्लाह रहना मेरा जापान नगर में है। अभी मेरे को कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले प्रकरण पता चला कि एक छोटी सी बच्ची के साथ में और उसके खुद के सगे बाप ने ये गलत हरकत किया करके, तो 2 दिन तो उनके रिश्तेदारों ने इसको छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, जो उसके जो इमरान अंसारी उसके घर वालों ने, और उसके बाद में फिर हम लोग, मैं 2 दिन बाहर था तो हम लोगों ने आज इस तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ताई के नेतृत्व में, सुनीता ताई ठाकरे इनके नेतृत्व में अपन ये काम को अंजाम दिया। पुलिस डिपार्टमेंट भी हमको बहुत कोऑपरेट कर रहा है, यहाँ की पुलिस का हम बहुत बहुत यानी शुक्रगुजार है, और इस नराधम को हकीकत में फांसी होना चाहिए। और मैं आपके मार्फत एक मैसेज देना चाहूँगा, जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उसके रिश्तेदार लोग आ रहे हैं कि नहीं इसको अपन घर में बैठ के सुलझा लेते ये वो, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हरामखोरी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी वही सोच रखते हैं जो उसको मदद करने के लिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो वही सोच रखने वाले हैं। इसलिए मैं उनको कहूँगा कि आप खबरदार, और ताई ने जैसा कहा कि उसको फांसी होना चाहिए, हकीकत में फांसी होना चाहिए, या तो हमको दे दो। मामला गंभीर होने के चलते हालांकि तब मामी ने बाकी रिश्तेदारों को इस पूरी घटना की जानकारी दी, और परंतु तब रिश्तेदारों ने भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। इधर तहसील पोलीस स्टेशन मला सय्यद सरांनी सांगितलेला आहे की मुली संग बलात्कार झालेला आहे आणि ते पण वडिलांनी केलेला आहे, पण आज तहसील पोलीस स्टेशन मध्ये PI सर मॅडम वगैरे आम्हाला खूप कोऑपरेट करत आहे, मदत करत आहे, आणि वडिलांनी मुलीसोबत गलत केलं। अन्सारी नाव आहे त्यांचं, मुलगी 13 वर्षाची आहे आणि 14 वर्षाची आहे। आईला मरून 1.5 वर्ष झालेले आहेत। 1.5 वर्ष झाल्याच्या नंतर 15 दिवसांनाच मुलीसोबत वडिलांनी तिच्यासोबत गलत व्यवहार करणं चालू केलेलं आहे। तिला हात लावणे, तिच्यासंग गलत काम करणे, हे वडील म्हणजे मुलीसोबत असं करणे हे चुकीचं आहे। परत 15-20 दिवसाच्या आधी एक लहान मुलगी आहे परत 14 वर्षाची, तिच्यासोबत पण त्यांनी तेच हरकत केलेली आहे, तिच्यासंग फिजिकल रिलेशन वगैरे। पण काही दिवसांनी ती मामीकडे गेली, 15 दिवसाच्या नंतर मामीने तिला विचारलं की बेटा घरी काही प्रकरण झालेलं आहे का, तू डिस्टर्ब का आहे, तर तिने नंतर मामीला सांगितलं की माझ्या वडिलांनी माझ्यासोबत असं केलं। तर मामीने 4 दिवस त्या लोकांची मुलाकडल्या म्हणजे वडिलाच्या इकडल्या लोकांची मीटिंग भरवली, पण त्या लोकांनी काहीच रिस्पॉन्स नाही दिला। पण मी आज त्यांची खूप हिम्मत मानते की त्यांनी त्या मुलीला आपल्या भाचींना पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे आणि त्यांची कंप्लेंट टाकलेली आहे। अशा वडिलांना फाशीची सजा झालेली पाहिजे। हा अशा लोकांना डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला न आणता पहिले पब्लिक लोकांनी त्याला चांगलं ठेसलेलं पाहिजे किंवा मात दिला पाहिजे, त्याच्यानंतर यांना पोलीस स्टेशनला आणलं पाहिजे। असे किती प्रकरण होऊन राहिले की वडील मुलीसोबत, की मुलगी त्यांना कळत नाही की मुलीसंग आपण हे करतो, आपण त्यांना पैदा करतो आणि त्यांच्यासंगच आपण हा व्यवहार करतो, हे चुकीचं आहे। असे भरपूर ठिकाणी हास्य होत आहे। माझं म्हणणं हे आहे की मुलींनी, कोणतीही मुलगी असो तिच्यासंग गलत झालेलं असलं तर तिने कधी लपू नये, सामना करावा ह्या गोष्टीचा, कारण थोडक्यामध्ये तिने जसं लपून ठेवलेलं आहे आणि थोडक्यात सांगितलं आहे हे चांगलं राहील। माझं नाव सुनीता ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्ता। अपनी ही दो बेटियों को बनाया हवस का शिकार, 1.5 साल से चल रहा था शर्मनाक कांड। महल कोतवाली पुलिस स्टेशन से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मेरे, NBC News नागपुर।